नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहां पे सॉल्व करेंगे उत्तराखंड वीडियो वीपीडियो एग्ज़ाम पेपर जो कि हुए थे 2021 में। जो ये पेपर है ये शिफ्ट में हुआ था और आज हम यहां पे सॉल्व करेंगे 4 दिसंबर 2021 का पेपर जो हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, महोदार्य में संधि है। तो यहाँ पे आप एक एक करके ऑप्शन पढ़ सकते हैं। गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है, जिस भी अक्षर में या जिस भी शब्द में आपको ए ओ आर मतलब छोटी एक मात्रा दिखे तो उसमें क्या होती है, गुण संधि होती है। फॉर एग्जांपल जैसे महोत्सव हो गया, नरेंद्र हो गया, सप्तऋषि हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हैं, गुण संधि के। बी है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में बड़ी मात्रा होती है, बड़ा ए होगा, बड़ा ओ जहाँ पे भी दिखेगा जिस भी शब्द में वहाँ पे क्या होगी, वृद्धि संधि। फॉर एग्जांपल महोदार्य, तो इसलिए यहाँ पे 1 का जो भी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, महोदार्य में संधि कौन सी है, वृद्धि संधि। दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं जैसे परीक्षार्थी हो गया, मतानुसार हो गया, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे अयाद्य संधि। तो अयाद्य संधि में क्या होता है, जब या व रा के पीछे क्या होता है, अगर आधा अक्षर या वर्ण आता है, जैसे अत्यधिक, तो या के पीछे क्या है, आधा वर्ण है, आधा ता है, अत्याचार या के पीछे आधा ता है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये सभी किसके उदाहरण है, अयाद्य संधि के। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। क्या होता है मिश्रित वाक्य, इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, इसमें क्या है, दो उपवाक्य हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक मिश्रित वाक्य बनाते हैं। जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी, दो उपवाक्य मिलके क्या बनाते हैं, एक मिश्रित या मिश्र वाक्य बनाते हैं। तो इसलिए 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, सिफारिश किस भाषा का शब्द है। जो सिफारिश है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये है फारसी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। जैसे खुराक, खामोश, पर्दा, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, फारसी के। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है यहाँ पे, अपने बल को बढ़ाकर भय दिखाना। बी है, दूसरे के बल पर कार्य करना। सी है, अपने बल पर कार्य करना। और डी है, छल द्वारा परास्त करना। तो 4 का जो राइट आंसर है, खूंटी के बल बछड़ा कूदे, इसका अर्थ क्या है, दूसरे के बल पर कार्य करना। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वीर प्रशु। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो हिंदी वाक्य के देखो 6 अनिवार्य तत्व कौन है, एक है सार्थकता, दूसरा है योग्यता, तीसरा है पदक्रम, ठीक है, चौथा है आकांक्षा, पांचवा है निकटता, छठा है अन्वय। तो यहाँ पे कौन सा नहीं पूछा है, तो अलंकार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। दोस्तों, बहुत ही जल्द आपका अब वीडियो वीपीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके लिए वीडियो वीपीडियो के नोट्स बनाए गए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं jadhariclasses.in, तो सबसे ऊपर आपको वीडियो वीपीडियो के नोट्स देखने को मिल जाएंगे, आप उनको वहाँ से भी ले सकते हैं। नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए है प्रयोग, बी है चिरकाल, सी है अतिक्रमण, और डी है समालोचन। तो किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं, वो हुए हैं समालोचन में। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से अर्क पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची है अर्क, तो ये है दोस्तों सूर्य का। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य के पर्यायवाची क्या है, अर्क हो गया, दिनकर हो गया, आदित्य हो गया, दिवाकर, भास्कर, ये किसके सभी पर्यायवाची हैं, सूर्य के। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द
है, तो कौन सा इसमें क्रिया विशेषण शब्द, यहाँ पे ऑप्शन सी अचानक। क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का बोध होता है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे अचानक, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का क्या है, एग्जाम्पल है। यह विचार मेरे मन में आया, लेकिन कैसे आया, अचानक से आया, तो ये क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पे नो का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो जो वृक्ष शब्द है इसका वर्ण विन्यास क्या है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। टिप्पण जो मुख्यतः होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन 2 प्रकार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण है। तो जो पशु शब्द है इसका विशेषण क्या है, तो इसका विशेषण है पाशविक। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 13 है, गोधूली कहते हैं। तो गोधूली किसे कहते हैं, शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं, तो इस समय को क्या कहा गया है, गोधूली अर्थात संध्या का समय। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्पप्राण वर्ण है। एक अल्पप्राण होता है, एक महाप्राण व्यंजन। तो अल्पप्राण किनको कहते हैं, जिन व्यंजनों को बोलने में मुंह से कम हवा निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, अल्पप्राण। फॉर एग्जांपल, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो पंचम अक्षर होता है वो क्या कहलाया जाता है, अल्पप्राण। जैसे का हो गया, गा हो गया, गा, ये तीनों क्या है, अल्पप्राण के उदाहरण है। तो जो 14 है इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, प्रथम, तृतीय और पंचम। और जो महाप्राण है, जिनको बोलने में मुंह से अधिक हवा निकलती है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, जैसे खा हो गया और गा हो गया, ये दोनों किसके उदाहरण है, महाप्राण के उदाहरण है। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। नंबर 16 है, विसर्ग का प्रयोग होता है। तो जो विसर्ग है इसका प्रयोग कहाँ होता है, तत्सम शब्दों में। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, और यहाँ उसके समान से तात्पर्य क्या है, संस्कृत के समान। जो संस्कृत के समान बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे क्या है, प्रायः, अतः, ये सभी क्या है, विसर्ग है ना। तो यहाँ पे इसलिए 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, यही सच है किसकी कृति है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनकी क्या क्या कृतियाँ हैं, जैसे इंद्रचाल हो गया, आंधी हो गया, छाया, देवरथ, गुंडा, ये सभी किसकी कृति है, जयशंकर प्रसाद जी की। बी है प्रेमचंद, तो इनकी है जैसे पंच परमेश्वर हो गया, कफन, नमक का दरोगा। सी है मन्नू भंडारी जी, तो इनकी क्या है, मैं हार गई हो गया, यही सच है, नायक खलनायक। तो यही सच है किसकी कृति है, मन्नू भंडारी जी की। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, परिमति का आशय है। तो जो परिमति शब्द है इसका आशय क्या है, बुद्धि की व्यापकता। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह शब्द है। तो यह शब्द क्या है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका राइट आंसर क्या है, यह जो शब्द है ये है सार्वनामिक विशेषण। तो 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। तो जो गर्मी शब्द है यहाँ पे ये क्या है, भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1905 ईस्वी में, ये प्रकाशित हो गया था देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र। तो जो 21 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1905 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22 है, चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी। तो कौन थी, तो ये थी दोस्तों प्रीतिलता वाडेदार। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रीतिलता वाडेदार जी।
और इनका जन्म मई 1911 में कहाँ हुआ था? चटगांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, विनोबा भावे द्वारा भूटान आंदोलन किया गया, तो ये किया गया कब किया गया था? तो 23 जो है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, 18 अप्रैल 1951 में किया गया था ये आंदोलन। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो प्राथमिक चट्टान कौन सी है इनमें से, तो ये है आग्नेय। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। वो जो आग्नेय चट्टान है इसके एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट हो गया, दूसरा है बेसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, ये तीनों किसके एग्जांपल हैं आग्नेय चट्टान के। क्वेश्चन नंबर 25 है, वारुणी पंचकोसी यात्रा होती है तो कौन से जिले में होते हैं? तो ये होती है जनपद उत्तरकाशी में होती है वारुणी पंचकोसी यात्रा। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, पूरा दिख जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या, तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 26 को। तो देखो यहाँ पे क्या है, 7 और 3 10 है, फिर यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी जो 24 आएगा, तो यहाँ पे 7 और 3 10 और 7 और यहाँ पे 17, तो 17 और 7 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17। तो डी यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है, चचनामा संबंधित है, तो चचनामा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कश्मीर क्षेत्र के इतिहास से, बी है गुजरात क्षेत्र के इतिहास से, सी है सिंध क्षेत्र के, और डी है बंगाल क्षेत्र के इतिहास से। तो जो चचनामा है ये संबंधित है, तो 27 जो है इसका राइट आंसर क्या है, सिंध क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है चचनामा। क्वेश्चन नंबर 28 है, गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक हैं। 28 के यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो जो गरीबी और अकाल है इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये है अमर्त्य सेन। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा था या कहा है? तो जो ह्वेनसांग है, चीनी यात्री ह्वेनसांग है, इन्होंने कुंभ पर्व को क्या कहा था, मोक्ष पर्व कहा था। कुंभ का मेला कहाँ लगता है, हरिद्वार में, तो इसी कुंभ को इसने क्या कहा था, मोक्ष पर्व कहा था ह्वेनसांग ने। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, और ये भी आ गया फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर संख्या होगी, यहाँ पे है 462 420 380 और यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, और 306, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? देखो सबसे पहले है 462, ठीक है, इसमें माइनस करो आप 42, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 420। 462 माइनस 42 करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 420, यानी कि अगली संख्या। अब फिर से 420, अब माइनस, अब देखो 42 है ना, तो यहाँ पे हमने प्रत्येक बार माइनस 2 करना, तो 42 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 40 इक्वल टू क्या आएगा, 380 आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड वाली संख्या भी हमको पता चल गई, अब आता है आपका 380 माइनस, अब 40 से 2 माइनस करो क्या आ जाता है, 38 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 342 आ जाएगा, और 342 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है, इसलिए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। और फिर देखो 342 है ना ये, चलो इसको यहीं पे लिख रखा है, तो 342 अब माइनस क्या है, 38, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, फिर माइनस 2 करना है, तो यहाँ पे 36 इक्वल टू 306 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा कि पहले हमने 462 है, 462 माइनस 42 किया तो 420 आया, फिर 420 माइनस 40 किया तो 380 आया, फिर 380 माइनस 38 किया तो क्या आया हमारा, 342 आया, और फिर 342 माइनस हमने 36 किया तो हमारा 306 आया। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा या कौन से किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए हैं? देखो, लाल मंडी का किला भी चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए हैं, या दूसरा है यहाँ पे खगभरा किला, ये भी चंद शासकों द्वारा बनाए गए हैं, और मल्ला महल किला। तो यहाँ पे इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 26 सितंबर 1975। ठीक है, 26 सितंबर 1975 को भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। तो 32 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1975 को। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? तो ये होती है यमुना नदी। तो 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 34 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हप्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था? तो किसकी हुआ करता था? तो ये किसकी राजधानी हुआ करता है? विजयनगर की। तो 35 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध, जो विजयनगर है इसकी साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर कौन सी थी? जो प्रसिद्ध नहर है ये थी दोस्तों हिरिया नहर। तो 36 का राइट आंसर क्या है? हिरिया नहर विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर हुआ करती थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी? तो 37 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बैरन आइलैंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं इसका निर्णय भारत में कौन करता है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। तो 38 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो किस रूप में हुआ है उत्तराखंड का वर्णन? उत्तर कुरु में। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो ये की थी नरेंद्र शाह ने। तो ए ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 40 का। 41 है, अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल, तो यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ उत्तराखंड के राज्यपालों की सूची। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो पहले राज्यपाल है अपने उत्तराखंड के सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला है, इनका कार्यकाल कब से और कब तक है? तो 2000 से और 2003 तक कार्यकाल था सुरजीत सिंह जी का। दूसरे जो राज्यपाल हैं सुदर्शन अग्रवाल, इनका था 2003 से लेकर 2007 तक। तीसरे हैं बनवारी लाल जोशी, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, 2007 से लेकर 2009 तक। तो यहाँ पे कहीं भी क्या है बनवारी लाल जोशी जी का नाम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 41 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 2007 से लेकर 2009 तक किसका कार्यकाल था? बनवारी लाल जोशी जी का, जो कि उत्तराखंड के तीसरे क्या थे? राज्यपाल थे। चौथी थी मार्गरेट अलवा, इनका था 2009 से लेकर 2012 तक। पाँचवें हैं अजीत कुरेशी, उनका 2012 से 2015 तक है। छठे हैं के पॉल, इनका 2015 से लेके 2018 तक है। सातवें हैं बेबी रानी मौर्य जी, इनका 2018 से 2021 हैं। और आठवें हैं जो वर्तमान के हैं गुरमीत सिंह जी, उनका क्या है कार्यकाल शुरू कब से हुआ? 2021 से शुरू हुआ है। तो ये हैं उत्तराखंड के 8 राज्यपालों की सूची। तो 41 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 42 है, यदि किसी कूट भाषा में रोड को 18, 15, 14 लिखा जाता है तो उसी भाषा में डोर को लिखा जाएगा। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ए टू जेड पता होना चाहिए कि ए कौन से नंबर पे आता है, बी सी डी ई एफ जी सब। अगर आपको ये पता है तो सबसे पहले
क्या कहें, आपको A to Z लिखना है और उसकी नंबरिंग डालनी है अगर आपको पता नहीं है तो। इससे क्या हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। यहाँ पे लिखा है यदि किसी कूट भाषा में रोड को 18, 15, 14 लिखा है। देखो सबसे पहले आर जो है, आर का स्थान कौन सा है, तो आर आता है 18वें नंबर पे, ठीक है, ये लिखा है। फिर आता है ओ, तो ओ का नंबर क्या है, 15 है। फिर है ए, ए का क्या है, 1 है। और डी का क्या है, डी का है 4। तो हो गया ना 18, 15, 14, 18, 15, 14, तो ये बहुत इजी है। अब रोड का ये, अब डोर का, तो डी कौन से उस पर आता है, 4 पे आता है। फिर जो ओ है कौन से नंबर पे आता है, 15, डबल बार ओ पूछा है, 15। और आर कौन से नंबर पे आता है, तो 18। किस ऑप्शन में है, 4, 15, 15, 18, 4, 15, 15, 18, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि ITBT पार्क स्थापित किया गया, तो ये कहाँ किया गया, पंतनगर में, तो सी ऑप्शन 43 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे। उत्तराखंड में कंडवा है, तो क्या है कंडवा, आभूषण है। उत्तराखंड के जो आभूषण है दोस्तों, इनको भी थोड़ा बताने की यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माथे या सिर के आभूषण। तो माथे या सिर के आभूषण कौन है, शीश फूल हो गया, मांग टीका हो गया, बिंदी, ये कहाँ पे पहने जाते हैं, माथे पे पहने जाते हैं। माथे के नीचे आता है कान, कान के कौन है, जैसे कुंडल हो गया, कर्णफूल हो गया, बाली, गोरख, तुगल, मुरकी, बजनी, ये सभी कहाँ के हैं, कान के आभूषण हैं। तीसरा है नाक, ठीक है, नाक के कौन है, नथ हो गया, फुल्ली हो गया, बुलाक हो गया। फिर है गला, तो गले के कौन आभूषण है, गुलबंद हो गया, तिलहरी हो गया, लोकेट, माला, ये सभी कहाँ पहने जाते हैं आभूषण, गले में। फिर है हाथ, हाथ के आभूषण कौन कौन से हैं, चूड़ी हो गया, कंगना हो गया, पौंदी हो गया, जो बाजूबंद, अंगूठी, ये कहाँ पहुँची, ठीक है, ये कहाँ पहने जाते हैं, सभी ये पहने जाते हैं हाथ में। और पैरों के कौन है, जैसे पैजी हो गया, पोंटा हो गया, इमरती हो गया, और कंडवा जो कि यहाँ पे पूछा गया है, तो ये सभी कहाँ पहने जाते हैं, पैरों में पहने जाते हैं। तो 44 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। केदारनाथ के रावल यानी कि जो मुख्य पुजारी है वो क्या है, रावल है, संबंधित हैं। तो यहाँ पे 45 के आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये जो रावल है ये किससे संबंधित हैं, ये संबंधित है दोस्तों डी, यहाँ पे मैसूर के जांगम संप्रदाय से संबंधित है केदारनाथ के मुख्य पुजारी जो कि रावल हैं। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 है। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो सबसे लंबी कौन सी नदी है, आपने यहाँ पे क्या है, लंबाई के अनुसार उनका क्रम बताना है। तो 46 के यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। 46 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है, ठीक है। 1, 2, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 3, 2, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 है। भारत के निम्न पतनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा, तो क्या होगा। तो 47 का जो राइट आंसर है वो भी क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है, तो कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो ये दी गई है आर्टिकल 14 और 15 में। तो 48 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल है, तो कौन सा ताल है, फाजकंडी, बयां ताल, और ये कहाँ है, ये है उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन सी 49 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे। यदि 1 जनवरी 2001 ईस्वी को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 31 दिसंबर 2001 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में, यहाँ पे नृत्य होगा ठीक है, तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन है पांडव नृत्य। जो पांडव नृत्य है ये कहाँ किया जाता है, तो ये नृत्य गढ़वाल में किया जाता है और गढ़वाल में ये महाभारत पर आधारित एक धार्मिक नृत्य है। कौन सा? पांडव नृत्य। बी है छोलिया नृत्य। जो छोलिया नृत्य है ये कुमाऊं में किया जाता है और ये एक युद्ध शैली का नृत्य है छोलिया नृत्य। और ये नृत्य क्या है, ढाल और तलवारों के साथ किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि तलवार का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है, तो छोलिया नृत्य यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो छोलिया नृत्य है ये कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य है और गढ़वाल में इसे क्या कहा जाता है, सरयू नृत्य इसको कहा जाता है। सी है यहाँ पे लंगवीर नृत्य। जो लंगवीर नृत्य है ये गढ़वाल में किया जाता है। इस नृत्य में जो ये नृत्य है, जो लंगवीर नृत्य है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है और ढोल नगाड़ों के साथ ये किया जाता है। और इसमें जो पुरुष है ना वो बांस के डंडे, कितने लंबे लंबे होते हैं, उनके शिखर पर अपना बैलेंस बनाते हैं और ये नृत्य करते हैं। तो 51 के जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 52 है, यदि ए का अर्थ क्या है, गुणा है, बी का अर्थ भाग है, डी का माइनस, सी का प्लस हो तो निम्नलिखित का मान होगा। तो 52 यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसने बोला है कि अरे ए का अर्थ क्या है, गुणा है, बी का क्या है, भाग है ठीक है, यहाँ पे डी है माइनस और सी है यहाँ पे प्लस ठीक है, सी यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो अब हमको क्या करना है इसको सॉल्व, देखो 21 सी हो गया ठीक है, फिर क्या है 3 डी हो गया, 6 ए हो गया, 8 बी हो गया और लास्ट में 2 है। तो इसको हमने अब अगर इनको हटा दें ए बी सी डी तो सीधा क्या हो जाएगा 21 प्लस नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 3 माइनस 6 इंटू 8 भागे 2। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, अगर लॉन्ग में भी करेंगे 21 प्लस 3 माइनस 6, 2 का भाग अगर हमने किस में दिया, इसमें दिया 8, तो 8 हो गया 21 प्लस 3 6 चको 24 हो गया, 24 हो गया और 24 में से 24 गए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको अगर आप अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपका भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 52 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली किसकी थी, किसकी थी ये, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 36 रकम 32 कलम जो राजस्व प्रणाली है ये थी दोस्तों किसकी थी, चंद शासन काल में। तो 54 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, यहाँ पे 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो ये थे दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी थे, उस टाइम के क्या थे, अध्यक्ष थे ठीक है। जो नेशनल कांग्रेस है इन्होंने क्या है 1927 में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास सत्र में साइमन कमीशन जो आयोग था उसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया था, किसने, अंसारी के कार्यकाल में या अंसारी जब वहाँ के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं, कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है, तो धुनेर से प्राप्त होता है। तो 50 का जो राइट आंसर है, धुनेर यहाँ पे लिखा है जिसको धुनेर बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त की गई थी, उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त की गई थी, तो ये की गई थी 1829 में ठीक है, तो बी यहाँ पे 57 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए
तो कब किए थे, ये किए थे 2012 ईस्वी में। तो 58 का सही आंसर है सी। और गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1887 में। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि ए प्लस बी बराबर हैं सी प्लस डी के, ठीक है, और ए प्लस डी बड़ा है बी प्लस सी से, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित तौर पर गलत है। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या है, निश्चित तौर पर कौन सा गलत है, तो बी बड़ा है डी से, ये यहाँ पे क्या है रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 है, गुलदस्त तवारीख ई कोहा टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। गुलदस्त तवारीख ई कोहा टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है दोस्तों मियाँ प्रेम सिंहा, ठीक है। 60 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 61 है, फिल्म सूरमा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है। 61 के आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, तो जो ये सूरमा फिल्म है ना, ये आई थी 2018 में, ठीक है, और किसने इसको निर्देशन, इसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, साद अली थे। तो ये किसके जीवन पर आधारित है, ये है संदीप सिंह के जीवन पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 62 है, यहाँ पे चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। 62 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टाइफून, ठीक है, और ये पृथ्वी पर सबसे सक्रिय उष्णकटिबंधीय चक्रवात घाटी है, कौन, टाइफून, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नर्स टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, कितने टीचरों को सम्मानित किया गया था, 5 टीचरों को, तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक वैध शॉर्टकट कुंजी है, तो ये है अल्ट प्लस F9, तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्राई दिया गया है, वह विकल्प जो संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा है वह कौन सा है, तो ए है यहाँ पे, ठीक है, ये टी पता कैसा है, ये टी है साहब आपका, अरे ये है आपका ऐसा, ठीक है, उल्टा यहाँ पे इसको ढंग से सोनी कराया गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अगर क्या है जल के प्रतिबिंब पे देखेंगे तो ये ऐसा प्रतीत होगा इसका उल्टा, ठीक है, ये टी है तो इसका उल्टा क्या होगा, हो जाएगा ये है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 65 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया, कौन से सन में किया गया था, तो 66 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1995 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है, ऑप्शन ए है यहाँ पे अरुणिमा रागोदय, बी है विहान रागोदय, सी है विहाग रागोदय और डी है उषा रागोदय, तो 67 का जो सही आंसर है वो क्या है, कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है, उषा रागोदय यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये है यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न विकल्प कौन सा है, तो यहाँ पे बहुत इजी है, आपने क्या करना है 37 × 4 करना है, 37 × 4 करोगे तो आपका क्या आएगा 148, ठीक है, 24 × 7 करना है तो आपका आएगा 168, फिर आपका सी है यहाँ पे 14 × 12, ठीक है, तो आपका क्या आएगा 14 × 12 भी आपका 168 आएगा, और लास्ट यहाँ पे 42 × अगर आप 4 करोगे तो उसका भी क्या है 168, तो हमने यहाँ पे विकल्प कौन सा चुनना था जो कि डिफरेंट हो, जो कि भिन्न हो, तो 168 और 168 ये तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ पे समान है, तो भिन्न कौन सा है 148 और कौन सा है ये ए, तो 68 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 37 × अगर 4 करोगे तो वो 168 ना हो करके 148 आएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया,
ऑप्शन ए है राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों में, बी है मौलिक कर्तव्यों, सी है प्रस्तावना और डी है मौलिक अधिकारों में। तो 69 का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों में। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार की यह व्यवस्था की गई थी तो कब की गई थी ये, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 70 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन 1970 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी। तो कहाँ हुई थी ये स्थापना, तो ये हुई थी पौड़ी के कोटद्वार में। तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 ईस्वी को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, जो 72 है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए RISAT-2B, ठीक है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत हैं, सर्वाधिक गांव कौन से जिले में है, तो वो है पौड़ी जिले में। तो 73 का सही आंसर है ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 74 है, 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, 74 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो 75 का जो सही आंसर है वो किसके द्वारा, ये उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे, इस समिति के अन्य दो सदस्य थे। तो ये इस समिति के दो अन्य सदस्य कौन थे, तो ये थे DR गाडगिल और डॉक्टर BK RV राव। इसका सही आंसर है 76 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 है, सरहिंद नहर निर्मित की गई है, तो ये कहाँ की गई है, कौन सी नदी पर। तो जो सरहिंद नहर है ये कौन सी नदी पे ये निर्मित की गई, तो 77 जो है इसका सही आंसर क्या है, सतलज नदी पे निर्मित की गई है सरहिंद नहर। तो 77 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। तो ऑप्शन ए है बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, बी है नाबालिग बालिकाओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रशिक्षण और पोषण प्रदान करने के लिए, सी है बालिकाओं की अवैध तस्करी के खिलाफ सुरक्षा के लिए, और डी है यहाँ पे 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए। तो 78 का जो सही आंसर है, मुख्यमंत्री आंचल योजना किसके लिए शुरू की जा रही है, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 है, अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आएगा। तो हमको ये सीक्वेंस में भी लगाने हैं ना, देखो यहाँ से तो कोई भी यहाँ पे इसकी श्रेणी नहीं बन रही, POPQ पता नहीं क्या क्या है। देखो सबसे पहले जो यहाँ पे श्रेणी बन रही है वो है PQRST, ठीक है, PQRST कहाँ से शुरू हो रही है, PQRST। इसके बाद क्या आ रहा है, URI है। दूसरी जो बन रही है PQRST, इसके बाद भी क्या आ रहा है, URI है। तीसरी भी PQRST, तो जो दो के बाद URI, तो इसके बाद भी क्या आएगा, U आएगा। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80 है, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया, ना वकील ना अपील ना दलील। तो किसके लिए कहा गया था ये, तो 80 का जो सही आंसर है वो क्या है यहाँ पे, ऑप्शन डी जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए कहा गया था। 1 है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। तो जो मुलिंगला दर्रा है ये जोड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत को। बी ऑप्शन है ट्रेल पास, जो ट्रेल पास दर्रा है ये बागेश्वर और
पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तीसरा है लिपुलेक दर्रा, तो ये जोड़ता है पिथौरागढ़ और किसको, तिब्बत को। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि लिपुलेक दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है और ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है, तो ये है हंसा मनराल जी। तो 82 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83 है, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, तो कितनी होती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी पृथ्वी पर, तो 83 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 84 है, पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू हुआ, तो ये जो 84 है इसका जो सही आंसर है ये कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1996 ईस्वी में। तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये है 72A है। ठीक है, तो 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया, तो कहाँ परिवर्तित कर दिया गया था हैदराबाद रेजिमेंट को, तो 86 का जो है इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, कुमाऊं रेजिमेंट में इसको परिवर्तित कर दिया गया था हैदराबाद रेजिमेंट को। तो 86 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 है, OSS का पूर्ण रूप क्या है, तो OSS की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, OSS की फुल फॉर्म है। 8 है, कुमाऊं भाभर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई, तो कब की गई थी, तो ये की गई थी 1906 ईस्वी में। तो 88 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुआकर खड़ा है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, इसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा अपोजिट में 135 डिग्री घूम जाता है, अब वह किस दिशा की ओर मुआक करके खड़ा है, तो 89 का यहाँ पे आंसर क्या होगा, पश्चिम दिशा की ओर वो मुआ करके खड़ा है, तो 89 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, 90 के आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, तो ये की गई थी 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है विजय जड़धारी को। क्वेश्चन नंबर 92 है, नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है, तो कहाँ स्थित है, 92 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, असम में ये स्थित है। 93 है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था 1961 में बेलग्रेड में ये आयोजित किया गया था, वो इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था, तो कब हुआ था ये, 1961 में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 93 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो फाइल साइज यहाँ पे इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था, तो किसने दिया था, तो 95 जो है इसका सही आंसर है, फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आश्रय दिया था, तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है, तो केंद्रीय बैंक, यहाँ पे 96 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, तो किस एक्ट के द्वारा, तो यहाँ पे 97 के आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, तो 97 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98 है, ईटी एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ, तो कब हुआ था ये, 98 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1882 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 99 है, ये भी करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का। टिहरी गढ़वाल में नर्व निर्मित डोबरा चांटी पुल की लंबाई है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें हम जरदारी क्लासेस के द्वारा एक अच्छी सी वीडियो बनाई गई है डोबरा चांटी पुल पे, जिसमें पूर्ण जानकारी इसमें दे रखी है। तो देखो, टिहरी गढ़वाल के निर्मित डोबरा चांटी पुल की अगर कुल टोटल लंबाई पूछ रही, ठीक है, टोटल जो इसकी लेंथ है वो तो है दोस्तों 225 मीटर, ठीक है, लेकिन जो झूला पुल है, जो सस्पेंशन जो ब्रिज है, इसकी अगर लंबाई पूछी गई तो वो है 440 मीटर और चौड़ाई क्या है 7 मीटर। अगर कुल पूछी गई तो 725 है, केवल पुल की पूछी गई तो वो 440 है और चौड़ाई है कुल टोटल वो है 7 मीटर। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में कुछ ज़्यादा इन्होंने दिखा रखा है, इसलिए 99 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100, और ये है दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, तो किसे दी थी, तो ये दी थी कीर्ति शाह को। तो 100 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इसमें से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर YouTube चैनल में नए आए हो तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।